एक एग्ज़ाम या एक जॉब या एक अपॉर्चुनिटी से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, ना मिलने से एक ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, उल्टा शुरू हो जाती है। आपको पता है, हमेशा मम्मी कहती है मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा, क्योंकि उसमें भगवान की मर्ज़ी होती है, यू नो। तो जब आप मेहनत करते हो ना, वो मेहनत का फल कहीं ना कहीं मिल जाता है। हमें लगता है कि लाइफ इज़ बीइंग अनकाइंड, उनको मिल गया, इनको मिल गया, बट 10 साल बाद जब आप खुद को और यू नो जिनके साथ आप कंपेयर करके आपको बुरा लग रहा है ना, जब आप उन्हें और अपने आप को देखेंगे ना, तो आप ग्रेटफुल लगेंगे कि आपने वो धक्के खाए। क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं ना, सबसे ज़्यादा धक्के भी वही खाते हैं, सबसे ज़्यादा उनके साथ गलत होता है, बट एंड में जाके जब वो एक दिन जब पलट के देखते हैं ना, उनके साथ बहुत कुछ अच्छा भी हुआ होता है। वो हमें अब समझ में नहीं आएगा, जब चीज़ें सेटल हो जाएंगे, जब चीज़ें एक पता चलेगा, तब आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। क्योंकि अगर चीज़ें हमारे हिसाब से हो जाती तो फिर तो बात ही क्या थी। पर नहीं, हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि इससे भी बेहतर होने की उम्मीदें हैं। तो बस हिम्मत मत छोड़ना और लगे रहना, एंड हो सके तो अपना स्ट्रेस वगैरह वेंट आउट करने के लिए एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देखना। एंजाइटी पालने से अच्छा है कि आप अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ढूंढो, जैसे कि पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, आपको कोई ना कोई हॉबी होता होगा, या फिर वॉकिंग, कुछ ना कुछ करके वेंट योर स्ट्रेस आउट। एंड उसके साथ साथ आप अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ इनकम या फिर एक अल्टरनेटिव करियर जो साइड बाय साइड आप कर सकते हो, जैसे सोशल मीडिया हो गया, ऑनलाइन डिग्री हो गया, ऐसा कुछ ना कुछ देखो। सबके पास कुछ ना कुछ पैशन होता है, साइड में टैलेंट होता है, उस हिसाब से करना, या तो एक साइड बिजनेस सेटअप करना, कुछ ना कुछ होगा, बट आपको सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने यूट्यूब किया, अब मैं साइड में एक थोड़ा सा हसल भी कर रही हूँ, तो ऐसा तो अगर आप करेंगे ना, तो इवेंचुअली क्या होगा, आपकी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनेंगे। एंड आपको तब रियलाइज होगा, यार अगर धक्के नहीं पड़े होते तो मैं इतनी सारी इनकम्स क्रिएट नहीं कर पाता। तो बस, दिस ऑलवेज होप एट द एंड ऑफ द टनल।